देखो देखो मामी later. हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, स्वागत है किसने वीडियो में। और गाइस, सुबह से घर में पूजा चल रहा है, मम्मी पापा पूजा करके एकदम मस्त प्रसाद वगैरह लाए, और अभी कटहल, पक्का कटहल। ये क्या है? ये कटहल का भुरी। तो इसमें से गाइस इतना सारा निकला है, काफी मीठा है, फलों से तो पूरा भर चुका है, इतना सारा फल है, और वो कटहल बहुत ज्यादा मीठा। तो सुबह से ही चल रहा है, मतलब शाम होने वाला है, 5 बजने वाला है। अचानक से अंधेरा हो गया, धूप आया, दे रहा था ना सुबह सुबह, क्या पता बारिश हो। खैर गाइस, मैं सोच रहा था आज ड्रॉ करूंगा, लेकिन पड़े पड़े दिन निकल गया भाई। यही होता है जब तुम चाहते हो कुछ करने का, कोशिश करता हो ना, मतलब दिमाग में रहता है कि भाई ये करूंगा वो करूंगा, पहले प्लान कर लोगे तो कभी नहीं होगा। वो प्लान करके लगा थे भाई कल आराम एकदम ये समय से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा, और फिर आलसीपन भाई, आलसीपन कैसे भी करके आ ही जाता है। ये देखो, इधर तो पूरा अंधेरा लग रहा है, और मैं इधर ड्रॉ नहीं कर सकता, ये देखो पंखा चल रहा है। तो भाई साहब सो गए दोपहर को, अंधेरा इस साइड तो भाई खतरनाक अंधेरा लग रहा है, बारिश इधर से ही आएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर से घूम के आऊँ तो अच्छा होगा, मस्त वेदर है। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था दोस्तों, जो कि मैं इसमें कैसे पैक करके रख दिया था, तो आज जाके क्लाइंट जो है कांटेक्ट किया मेरे से,
और पेमेंट वगैरह करने के बाद मैं भी जा रहा हूँ, ये पहुँचा दूंगा फील्ड में और फिर वो लेके चला जाएगा। सिंपल है, बाकी कुछ है नहीं, सब कुछ मस्त पैक करके रख दिया हूँ। पता नहीं कैसा होगा अंदर, बहुत दिन हो गया ना, लास्ट मंथ मैंने ये बनाया, लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तब कॉल आएगा तब जाएंगे फील्ड में, जाके पहुँचा देंगे, बस सिंपल। भाई साहब ड्रेस चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था बाहर, थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी है सबसे। और इसको ना मेरे को समझाना पड़ेगा, पता है कि ऐसे फाड़ना है, ऐसा ये करना है, तो गलती से अगर बीचों बीच से काट दिया ना फिर क्या, एकदम इतना सा जगह बाकी है, वहाँ से सीजर से काटना पड़ेगा इसे। खैर मैं बोला उस फील्ड में आने के लिए, उस वहाँ पे मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। तो मैं आ गया फील्ड, अब यहाँ से बस हैंडओवर करना और कुछ नहीं। फोटो हाथों में देख के गाइस मैं इधर आ गया फील्ड की तरफ, थोड़ा वॉक करेंगे और क्या। कब तक घर में बैठा बैठा रहेंगे, तो इधर आ चुका हूँ और मस्त बारिश हुआ ना, तो ये वाला एरिया एकदम मस्त लग रहा है, पूरा हरियाली हरियाली से भर गया। वाह, जब कमीशन वर्क बनता है और फिर जब आप उसको क्लाइंट तक पहुंचाते हो, वो वाला फीलिंग कुछ और ही होता है, आपका पेमेंट भी हो जाता है और पहुंच भी जाता है, मस्त चीज़ है। बस गाइस मेरे को ना एक छोटा सा टेंशन सा मतलब हो रहा है कि जब मैं फोटो बनाया था ना, बहुत दिन पहले मैं बनाया था और उसको पेपर में ना मैं ऐसे पैक करके रख दिया था, तो पता नहीं सही कंडीशन में होगा कि नहीं होगा, दागी होगी आ गया तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अंदर में कोई प्लास्टिक वगैरह नहीं रखा हूँ, सिंपल पेपर से पैक किया है, तो वही छोटा सा टेंशन लग रहा है। बस मेरे को छोटा सा टेंशन इसलिए लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी बोल के आया हूँ कि आपने थोड़ा फ़ोटो का ना ऐसे फ़ोटो वोटो खींच के थोड़ा भेजिएगा, मेरे को देखना है कि कंडीशन सही है कि नहीं है, तो बोले हाँ। अब बताएं ना, देखो ये जाहिर सी बात है, एक लगा रहता ना कि पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और मैं पहले फ़ोटो भेजा था तो उनको तो बहुत सही लगा था, लेकिन अब देखते हैं। अभी जो वेदर है दोस्तों, वाओ, लेकिन गर्मी लग रहा है। वाह, ये जो लाइट है भाई, मेरे साथ कोई एक जन आता ना तो अच्छा होता, क्योंकि बहुत सारा मतलब आइडिया आ रहा है फोटो शूट के लिए। हवा भी मस्त चल रहा, लेकिन पसीना बहुत आ रहा भाई। All right guys, अभी ना दो तीन राउंड ऐसे ही वॉक करते हैं, उसके बाद जाएंगे साइकिल के कहीं और। मेरा मन ऐसा ही किया कि भाई चलो फील्ड चलते हैं, बाहर तो मस्त वेदर है, रूम में क्या ही करेंगे, नेचर से थोड़ा बहुत कनेक्शन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इधर आए ना तो सब कुछ भींगा भींगा सा लग रहा है, इसका मतलब बारिश हुआ है शाम को ही, जब मैं उधर बोल रहा था कि भाई उधर बारिश हो तो वो बारिश इधर हो रहा था।
ऐसा वेदर में अकेले निकला हूँ तो कुछ मतलब उतना इंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन हाँ दोस्त वगैरह रहता तो अच्छा होता। सब अपने अपने काम में व्यस्त है भाई, क्या बोले अब। फाटक तो बंद रहेगा। ये देखो देखो मामी, आज सब पूजा किए हैं, मामी मम्मी पापा जो मामा। अब मेरा बारी है। क्या हो रहा है हैं? বিপদ তারিণী ব্রত कीड़ा मकोड़े घुस रहे है भाई हैं। बारिश इधर हुआ भी नहीं, उस साइड हुआ है। जिधर फील्ड है दोस्तों उधर बारिश हुआ, इधर बारिश नहीं। आज इसका एग्जाम था दोस्तों। क्या 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 एग्जाम था? 1-2 पढ़ाई है। क्या लिखी हो, क्या लिख के आए? पास हो जाओगी, पास हो जाओगी पूरा एक नंबर फर्स्ट डिवीजन। ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। खुशी देख रहे हो? आज पहला एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम कब है? खत्म जुलाई में। আরো থাক তুই। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।